हरे कृष्णा। टाइटैनिक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। टाइटैनिक एक जहाज था जो कि अपने आप में एक वंडर था, और जिस टाइम वो बना था उस टाइम उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपको पता है जो टाइटैनिक बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, दिस इज द शिप विच इवन गॉड कुड नॉट सिंक। मतलब कि ये एक ऐसा जहाज है जिसको भगवान भी नहीं डुबो सकते। That was kind of directly challenging the God, isn't it? भगवान को डायरेक्ट चैलेंज किया कि हमने एक ऐसी चीज बनाई है अद्भुत जिसे कि आप भी हानि नहीं पहुंचा सकते। डायरेक्टली चैलेंजिंग द गॉड। और हुआ क्या? सन 1912, 10th of April, 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने सेल किया। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। 4th day of the voyage, 4th day, ऐसी कुछ खबर आई कि मौसम ठीक नहीं है और सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, और वो टाइटैनिक जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा गया। लोग तब भी निश्चिंत थे कि टाइटैनिक है, नहीं डूबेगा। अरे इसके जो मेकर्स हैं उन्होंने हमें बिल्कुल पूरी तरह से हमें सांत्वना दिया है कि डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज अनसिंकेबल, ये शिप डूब ही नहीं सकता, ऐसा बोला गया। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे शिप डूबने लगा। लोग चिल्लाने लगे कि क्या हो रहा है, क्या टाइटैनिक वास्तव में डूब रहा है, क्या टाइटैनिक वास्तव में डूब सकता है। धीरे धीरे कर शिप डूबने लगा। लाइफ बोट्स निकल चुकी थी, कई लोग थे जो लाइफ बोट से बाहर निकलकर चले गए, और कई लोग थे जो वहीं पर रह गए, और लगभग 1500 लोग उस जहाज के साथ डूब गए। एक व्यक्ति और था जो कि जब जहाज सेल किया, उसने शुरू किया, तो वो किनारे में खड़ा था। टिकट उसके पास भी था लेकिन उसको सेल करने के लिए मना कर दिया गया था। वो थोड़ा गरीब व्यक्ति था, बहुत मुश्किल से उसने पैसे इकट्ठे किए थे। लगभग यूं समझ लीजिए कि पूरे जीवन की उसने कमाई लगा दी थी कि मैं अपने परिवार को, अपने बीवी और अपने बच्चों को टाइटैनिक पर लेकर जाऊं। लेकिन लास्ट टाइम में उनके बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया और उसे रेबीज हो गया, जिस वजह से उनको मना कर दिया गया कि आप सेल नहीं कर सकते। अब बच्चे को अगर मना किया गया है तो माँ बाप कैसे जा सकते थे बच्चे को छोड़ के? तो उनके माँ बाप को भी रुकना पड़ा, और वो टाइटैनिक को निहारता रहा लास्ट टाइम तक, और भगवान को गाली देता रहा कि भगवान आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, एक चीज़ आपसे मांगी थी भगवान मैंने, बस एक चीज़, इतना भी आप नहीं कर सके? अरे भगवान, मैंने पूरे जीवन की कमाई लगा दी, लेकिन आपको जरा सी भी दया नहीं आई भगवान, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं भगवान? खूब बोलता रहा, खूब भगवान को बुरा भला कहता रहा। और जब 4 दिन बाद उसे पता लगा कि टाइटैनिक डूब गया है, ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज इन ट्रॉमा कि ऐसा कैसे हो गया, टाइटैनिक डूब गया। एंड देन सडनली ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि उसने क्या क्या बोला भगवान को। वो पूरे विचार उसके मन में उलझने लगे और वो भगवान से क्षमा याचना करने लगा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा भगवान, कितना बुरा भला कहा। और जो लोग वहाँ पर टाइटैनिक में थे, जो लोग डूब चुके थे, क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है, क्या हम डूब जाएंगे? एंड द मेकर्स हु वर श्योर द टाइटैनिक वुड नेवर सिंक, 4 दिन के अंदर भगवान ने दिखा दिया कि नथिंग इज बिगर देन हिम। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी चीज़ के लिए चैलेंज करें, या अपने आप को बोलें कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा हूँ, या ये चीज़ जो मुझे हासिल हुई है ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, या ये मैंने अपनी योग्यता से हासिल की है, तो एक बार याद कर लेना इस घटना को। हमारे अंदर जो भी शक्ति है, जो भी हमें मिलता है, जो भी हम हासिल करते हैं, उसके पीछे एक दूसरी शक्ति है जो काम कर रही है। We get empowered by the Lord. भगवान द्वारा हमें शक्ति दी जाती है, तब जाके हम किसी चीज़ को कर पाते हैं। So never think that you are a doer. Titanic से हमें ये lesson मिल सकता है। Never challenge God. If you are challenging the God, then I am sorry. Your destruction is so near. हरे कृष्ण।